कि अगले विधानसभा चुनाव में आप जो है कि एनडीए के संग थे जी जी, और आज समाजवादी पार्टी के संग हैं 2022 में, तो क्या जो है कि कितनी सीटों पर इसमें बंटवारा हुआ है? आप जो है निकले हैं भ्रमण के लिए जी जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या गुल खिलाएगी और सत्ता के काबिज तक कितने दूर तक पहुंच पाएगी? जी, सबसे पहले आपके इस लाइफ से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बताना चाहते कि आज मिशन 2022 के तहत माननीय ओम प्रकाश राजभर के दिशा निर्देश पर आज इस क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि 12 तारीख को चितवना में माननीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी के कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, और 2022 के तहत हमने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता में काबिज होगी, 2022 में सरकार बनाएगी। ब्रिजभान जी, आप जौनपुर जिला अध्यक्ष भी हैं, अच्छा जो है कि लोग जानना चाहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में आप जो है कि एनडीए के संग थे जी जी, और आज समाजवादी पार्टी के संग हैं 2022 में, तो क्या जो है कि कितनी सीटों पर इसमें बंटवारा हुआ है, कुछ इसकी जानकारी? बंटवारा सीट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, सीट का कुछ अनुभव है आपको कि भाई इसको राष्ट्रीय कमेटी के बात है अभी। अच्छा, क्या बात थी कि जो है कि आप लोग जो है कि इस बार एनडीए के संग नहीं रह के अखिलेश जी के संग हैं? बिल्कुल, इस बात से जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराई थी, जो पिछड़ों का अधिकार दिलाने की बात थी, एक भी काम, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि सरकार एकदम नाकाम है जी। सरकार नाकामी हो तो आज जब गठबंधन जब बात भैल, जब हमारा काम न हुई, हिस्सा न मिली, तो हम काई के साथ रहे, इसलिए जो है कि आप उनसे गठबंधन तोड़ दिया, आज समाजवादी पार्टी संग है। अगर मान के लिए समाजवादी पार्टी के संग भी बात नहीं बना तो क्या होगा भाई? पार्टी जो बात के बाद जब न हो पाई जब निकल दी पार्टी। चलिए, अपने समाज को लेकर आप क्या बात करते हैं, समाज को लेकर क्या आपकी सोच है राजभर समाज को लेके? राजभर समाज एकदम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ एकदम साथ दे रहे, खड़ा है। ओम प्रकाश राजभर एकदम झंडे से लगा करके कदम से कदम मिला के चला। चलिए, धन्यवाद।